वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बतौर कप्तान आईपीएल खिताब दिलाने का उनका सपना भले ही टूट गया हो, लेकिन विराट कोहली का कहना है कि वे जब तक इस टूर्नामेंट में खेलेंगे इसी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। आरसीबी को एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोमवार को 4 विकेट से हरा दिया। कोहली इस सत्र के बाद टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने मैच के बाद कहा, मैंने टीम में ऐसा कल्चर तैयार करने की कोशिश की है जिसमें युवा आकर आक्रामक खेल दिखा सकें। मैंने भारतीय टीम के लिए भी यही करने की कोशिश की है। मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने अपना 120% टीम को दिया और बतौर खिलाड़ी इसके बाद भी देता रहूंगा। उन्होंने कहा, अब अगले 3 साल के लिए नए सिरे से टीम बनाने का समय है। मैं आरसीबी के लिए ही खेलूंगा। मेरे लिए वफादारी बहुत मायने रखती है और इस टीम के साथ मेरा जुड़ाव आईपीएल में मेरे आखिरी दिन तक रहेगा। केकेआर के हाथों करीबी हार के बाद में उन्होंने कहा, बीच के ओवरों में उनके स्पिनरों ने दबदबा बनाया और विकेट लेते रहे। हमने शुरुआत अच्छी की लेकिन उसे कायम नहीं रख सके। हमारी खराब बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी उम्दा गेंदबाजी का मामला था। कोहली ने कहा, हमने आखिरी तक कोशिश की लेकिन बल्लेबाजी में 15 रन पीछे रह गए और गेंदबाजी में कुछ बड़े ओवर से चूक गए। सुनील नारायण ने आज दिखा दिया कि वे आईपीएल में लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से क्यों हैं। नारायण, शाकिब और वरुण तीनों ने शानदार गेंदबाजी की और हमारे बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं सके। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।